हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, नंबर्स डिपेंड नहीं करता है, बट जिनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो वो लोग क्या करें कि अपने फ्रेंड्स जितने भी उनके हैं 2, 4, 5 हैं, सभी को शेयर करें वीडियो को, जिससे सभी को फ़ायदा हो। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत कुछ आपके फ़ायदे का मिलेगा, ठीक है, बशर्ते आपको वीडियोस को अच्छे से देखना होगा। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो जो है, मुझे लगता है काफ़ी लोग एकदम से पूरा नहीं देखते हैं अच्छे से, तो उनको कायदे से देखना चाहिए वीडियो, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है तो आप बहुत स्पीड में देख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, बट क्या होता है अगर आपका लेवल अच्छा नहीं है तो फिर आपको चीज़ों को अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट और भी है कि आपको वीडियोस को काफ़ी अच्छे से देखना चाहिए और इससे आप ही का फ़ायदा होगा, मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है इसमें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने इस सेट में 2 क्वेश्चन DI के भी ले रखे, क्योंकि DI भी आपके में आती है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको उस बारे में ही मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरीके से आपको डाटा दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 स्कूल्स, मतलब 5 स्कूल का आपको डेटा दे रखा है। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको टोटल दे रखे हैं 5200। देखिए मैं बोल भी रहा हूँ, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि DI बड़ी थी, पूरे पेज में करने में थोड़ा सा उसका फॉन्ट जो है वो छोटा हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल DE, तो स्कूल डी और ई के जो टोटल स्टूडेंट हैं एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल A/X, तो स्कूल ए के स्टूडेंट से वो एक्स से एक्सीड करते हैं, मतलब कितने ज़्यादा हैं, तो आपको सबसे पहले डी और ई को ऐड करना होगा। अब देखिए यहाँ पर बात क्या आती है कि आपको डिग्री से अभी मतलब नहीं है, ठीक है, आपको अभी क्या करना है, डिग्री की वैल्यू नहीं निकालनी है नंबर में, आपको अभी केवल डिग्री से नंबर है मतलब है। तो डी और ई का डिग्री कितना है, तो डी और ई किधर है, ये है डी और ई, तो मैं लिख देता हूँ डी का कितना डिग्री है 64.8, अगर नहीं दिख रहा है तो। ई का कितना डिग्री है 57.6, दोनों को ऐड कर दो, तो 8 से 14, 1, 7, 4, 11, 12 की 2 लगा 1, 6, 5, 11, 122.4। ये तो बात हो गई किसकी, डी और ई की मिला के स्टूडेंट्स की बात हो गई। अब अपने को किससे मतलब है, स्टूडेंट ए से मतलब है। स्टूडेंट ए का देखिए अकेला डिग्री कितना है, स्टूडेंट ए का 86.4, ठीक है। अब आप उसने बोला कितने से ज़्यादा अधिक है, तो इसका बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको। जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 0, क्योंकि 4 से 4 गया 0, 12 से 6 गया तो 6 मिल जाएगा, और ये आपका गया 11 से 8 तो 3, मतलब आपका 36 डिग्री आपको मिल गया। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 36 डिग्री की। अब आपको पता है कि 360 डिग्री टोटल है, इन सभी को मिला दोगे अगर आप तो आपको 360 डिग्री मिलेगा, उसकी आपको वैल्यू दी गई है 5200, ठीक है। 1 0 से 1 0 हटा दोगे तो सीधे 36 डिग्री की वैल्यू आपको मिल गई 520। इसका मतलब है 520 स्टूडेंट जो इनका आपस में डिफरेंस होगा वो 520 स्टूडेंट होगा। आप तो आपका देखिए ऑप्शन किस रेंज में आ रहा है, 520 से 525 की रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से DI आती है। ये क्वेश्चन देखिए सिंपल है, बट यहाँ से आपको कुछ चीज़ें बतानी थी मुझे, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। क्वेश्चन क्या है देखिए, ABC में C जो है वो 90 है, इसका मतलब ये A रहा होगा, ये B रहा होगा, ठीक है। CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, किस पॉइंट पे, D पर। तो देखिए यहाँ से आपकी कुछ एक तरीके से थ्योरम्स कह सकते हैं, छोटी छोटी थ्योरम्स होती हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पर आया हुआ है। क्या क्या थ्योरम्स होती हैं आप नोट डाउन कर सकते हो, जिनको नहीं पता है कि AC² बराबर AD इंटू AB होता है, ठीक है। इसके अलावा BC² बराबर क्या होता है, BD इंटू BA, मतलब पूरी भुजा, ठीक है। इन दोनों से ही ये भी आप कह सकते हो, इन दोनों रिजल्ट से ही, कि AC² अपॉन BC² बराबर, देखिए AB से AB कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, AD अपॉन BD बचेगा। ये रिलेशन से अपना ये सवाल लगना है, ठीक है। इसके अलावा ये दो तो हो ही गई, इसके अलावा एक और बहुत अच्छी, इस पर बहुत सवाल आते हैं कि CD² बराबर, जो CD लंब है, CD² बराबर AD इंटू BD, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए एक सबसे अच्छा एक होता है, इन सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, जगह नहीं है अपने पास। इसके अलावा देखिए सबसे अच्छी कौन सी होती है, एक 1 अपॉन CD² बराबर, सॉरी एक्चुअली क्योंकि वहाँ पे अलग अलग पॉइंट है, चलिए ठीक है, तो इतना काफ़ी था अभी के लिए, बाद में बता दूंगा।
क्योंकि वहाँ पे पॉइंट्स अलग अलग हैं, तो मुझे फिर से फिगर को बनाना पड़ेगा। सवाल करते हैं अभी। एडी आपको क्या था, आपको क्या दिया गया था? देखिए ये सी था और ये डी था, ये था, ये बी था, ठीक है। तो आपसे सवाल क्या है कि एडी अपॉन बीडी बराबर रूट के है, तो एडी अपॉन बीडी बराबर आपको रूट के दिया गया है। एसी अपॉन बीसी, तो अभी मैंने आपको बताया कि एसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एडी अपॉन बीडी, ठीक है। और एडी अपॉन बीडी आपको रूट के दिया गया ऑलरेडी, तो एसी अपॉन बीसी बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। और आपको पता है कि रूट के का मतलब क्या होता है, के की पावर 1/2। इसका मतलब है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, के की पावर 1/4, ठीक है। तो यही आ जाएगा, के की पावर 1/2 का 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आ जाएगा। के की पावर 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे क्या बताना है, तो एक रिलेशन ये भी होता है कि 1/CD² बराबर क्या हो जाएगा, 1/AC² प्लस 1/, और सभी रिलेशन देखिए आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। बट आपको डायरेक्ट रिलेशन अगर पता होता है तो पेपर में लगाने में आसानी होती है, ठीक है। कम समय में आप चीज़ों को कर लेते हैं, तो ये रिलेशंस आप याद रखिएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन एक आपके सामने है, इसमें क्या आपको SCF निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए मैं कई बार करवा चुका हूँ, ऐसा नहीं पहली बार करवा रहा हूँ। कैसे होता है ये क्वेश्चन देखिए, सारे नंबर्स को पहले नोट डाउन करें, ठीक है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर पूछा जाता है, इसका मतलब है कि आपको इसका SCF निकालना है, ठीक है। और जो आपका SCF आएगा वही आपका D हो जाएगा, ठीक है। लिखा है ना क्वेश्चन, अगर ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ R इज़ द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ तीन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर D। ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर मतलब वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब SCF। तो आपको इसका SCF निकालना है, तो अपन क्या डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पर 11 में से 9 गया तो 2, उसके बाद यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5, और 55 में 47 तो 852 आ जाएगा। यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 9 में 0 गया 0, और यहाँ पर 1491, इसका फिर से डिवाइड करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे। तो 11 में से 2 गया 9, उसके बाद 8 में से 5 गया 3, 14 में से 8 गया 6। और अभी भी देखिए इसमें कॉमन आ रहा है 3, तो 3 को अगर मैं हटा दूँ तो 3 दूनी 6, 3 एकम 213। तो 213 जो एक आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, इवन इससे छोटा भी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इससे छोटा, 213 तो आ ही गया आपका। तो देखिए कुछ लोगों के मन में डाउट रह जाता है कि 213 ही क्यों लिया, 3 से फिर क्यों डिवाइड नहीं किया मैंने, ठीक है। उसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि जब मैंने इन तीनों संख्याओं को लिखा था तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा था, 852 आ रहा था, ठीक है। दूसरे वाले का कितना आ रहा था, 1491 आ रहा था, ठीक है। अभी मैंने 213 निकाला, देखिए कैसे बताता हूँ, इन दोनों में 213 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 213 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 7 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसका मतलब है कि 213 ही आपका SCF है, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं SCF को, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो 213 आपका आ चुका है, और यही वैल्यू एक्चुअली D की वैल्यू भी है, D की वैल्यू आ गई अपनी। लेकिन इस 200 बोला था कि D का आपको डिवाइड करना है इसमें किसी भी संख्या में, तो रिमाइंडर बचता है जो कि R आएगा, ठीक है। तो 213 का डिवाइड इसमें करोगे तो आपको दिख रहा है 2 बार जा रहा है, किसी भी संख्या में कर सकते हो आप। तो 2 × 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 26, 14 में 6 गया 8, 6 में 2 गया 4, उसके बाद 49, उसके बाद फिर 2 बार जाएगा, 426 आ जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, तो आपका सॉरी 9 में 6 गया 3, 8 में 2 गया 6, 63। तो 213 डी प्लस आर पूछा गया था, डी आपका 213 था, आर आपका आ चुका है 63, दोनों को आप ऐड कर दो, 276 इज़ राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके सवाल होते हैं, आपको SCF निकालना होता है, उसके बाद जो आपसे बोलता जाए आपको डिवाइड करना है, रिमाइंडर आ रहा है उसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये सवाल बहुत आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखा होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत आता रहता है। अच्छी प्रैक्टिस वही है ना, यहाँ पर मैं एक्चुअली आपको अच्छी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप बहुत कम समय में चीज़ों को कर पाओ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करिए जिसमें अच्छा कैलकुलेशन होता है। अभी यहाँ पर आपको टाइम पर फोकस करना है, टाइम कितना दिया गया, 1/1/3, इसको आप चेंज करोगे 4/3, लेकिन ये साल में आ रहा है, आप इसको मंथ में चेंज करोगे, 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके मंथ आ जाएंगे 16 मंथ आ जाएंगे। आपसे पूछा गया है कि 8 महीने के हिसाब से कंपाउंडेड लगाएं अगर, इसका मतलब है दो, एक तरीके से टाइम अगर बात करूँ तो मैं 2 निकल के आएगा, क्योंकि 8-8 महीने के 2 बन जाएंगे, ठीक है, स्लॉट बन जाएंगे 8-8 महीने के, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको
रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कितना, 12 महीने का रेट ऑफ़ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 12%। आपसे पूछा 8 महीने का है, तो 8 महीने का कितना, देखिए 12 का 12 तो 8 महीने का 8% हो जाएगा, ठीक है। अब ट्री मेथड लगाएंगे, क्योंकि स्लॉट मुझे चल गए पता, दो स्लॉट हैं, 8% आपकी रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है। तो कैसे ट्री मेथड लगाते हैं, मैंने बताया कि इसमें क्या करना है, केवल आपको 8% का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 8% मतलब 100 से डिवाइड होगा तो दो जीरो गायब हो जाएंगे, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई कर दो 375 में, तो 8 × 5 = 40, 6 × 30, तो 3000। इसी को फिर नीचे लिख देते हैं, आपको पता है जो पहली लाइन होती है वो सिंपल इंटरेस्ट होती है। अब जो इस जगह पे आएगा वो आप तीनों को मिलाने पे क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। अगर इन तीनों को मिला दें तो CI बन जाता है। केवल पहली लाइन की बात करें तो ये SI होता है, और पहली लाइन के अलावा जो चीज़ें होती हैं वो अंतर होता है CI - SI, ठीक है। तो ट्री मेथड जिनको नहीं आता है वो मेरे CGL के वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। अब फिर वही चीज़ के 8% का फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 240 आ जाएगा, क्योंकि परसेंट से दो जीरो गायब हो जाएंगे, और 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 240 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6000 आ रहा है और यहाँ पर 240 आ रहा है, तो 6240 आपका राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, बस आपको यहाँ पर क्या समय और इंटरेस्ट अगर आपने एक बार बदल लिया फिर सवाल में कुछ नहीं रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का है। आपसे बोल रहा है कि ए और बी मिलके किसी काम को एक्स डेज में करते हैं, ए और बी डू द सेम वर्क इन, मतलब ए और बी क्या करता है किसी काम को x+8 x+18 days रिस्पेक्टिवली। मतलब जब अकेले काम करते हैं, अकेला ए काम करता है तो दोनों से मिलाने से 8 दिन ज़्यादा लेता है, और बी जो है वो दोनों के इकट्ठे काम करने से 18 दिन ज़्यादा रहता है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका एक फंडा होता है कि अगर आपको ए और बी का इस तरीके से दिया हो कि वो 8 दिन ज़्यादा करता है, वो 18 दिन ज़्यादा करता है, तो ए और बी का एक साथ कितने दिन में काम करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने ज़्यादा दिन में काम करते हैं उसका स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो 8 दिन ज़्यादा 18 दिन ज़्यादा, उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा कि ए बी कितने दिनों में काम करते हैं। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 144 और इसका आंसर आ जाएगा 12। मतलब ए बी मिलके 12 दिन में काम करते हैं, ए बी मिलके कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में काम करते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि ए और बी टुगेदर विल कंप्लीट 5/6 ऑफ द सेम वर्क। तो अभी देखिए, ए बी एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं मान लीजिए, अब वो बोल रहा है 5/6 काम को, तो दोनों तरफ 5/6 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 6 × 12 और 5 × 10, तो 10 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 10 days। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुजाता सोल्ड 75% ऑफ हर गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 24% एंड रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 40%। कैसे करता हूँ मैं इसको, 75% को उसने 24% प्रॉफिट पे बेचा, तो मैंने मान लिया कि 75% मतलब 3 और 1, ठीक है। उसके पास 4 टोटल गुड्स था, 4 सामान थे, तो 3 सामान को उसने 24% प्रॉफिट पे बेचा, एक सामान को माइनस के 40% पे बेचा। अब आपको पता है कि एक का अगर मैं 40% निकालूंगा तो माइनस का 0.04 निकलेगा, 24 × 72 मतलब 0.72 निकलेगा, ठीक है। इतना प्रॉफिट इतना लॉस। अब आपको पता है कि टोटल सामान था 4 और आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता वो दिख रहा है, 0.32 का प्रॉफिट। 0.72 में से अगर आप 0.4 घटा दोगे तो 0.32 मिलेगा, यही आपका प्रॉफिट होगा 4 सामान पे, ठीक है, × 100 ऐसे निकलेगा टोटल प्रॉफिट। ये देखिए 2 जीरो कट जाएंगे क्योंकि इससे 32 आ जाएगा और 4 × 8 = 32 का मतलब 8% गेन आ जाएगा, 8% आपका क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा था ये भी, यही लेवल एक्चुअली 10+2 CHSL का, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं ये, मैंने अच्छे क्वेश्चंस ले रखे हैं, ठीक है। बाद में मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बने रहिएगा हमारे साथ में आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आता है आपको तुरंत एक चीज़ याद आनी चाहिए कि V1/V2 = T2/T1, और विश्वास मानिए कि पेपर में ये भी आपको नहीं लिखना होता है, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, जैसे ही आपको समय दिखा तुरंत आपने बाद वाले समय को अंडर रूट में ऊपर लिखा, क्योंकि दिख रहा है T2 लिखा है ऊपर, इसका मतलब 405 पॉइंट हटा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों में दो दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, 405 और नीचे क्या हो जाएगा 445। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 81 आ जाएगा 5 से काटने पे, और ये आ जाएगा 49, ठीक है। इधर अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या दिया गया, देखिए B की स्पीड दी गई है, इसका मतलब आपको V2 दिया गया है, तो 8.4 और V1 आपको नहीं पता है, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा 9/7, 7 से कट जाएगा 1.2 आ जाएगा, 1.2 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10.8 आ जाएगा, ठीक है।
तो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं आपके सीएचएसएल में। फिर से देखिए, एक प्यारा सा डीआई क्वेश्चन ले रखा है मैंने, अच्छा क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कों से लड़कियों का जो रेशियो है स्कूल बी में वो 7:6 का है। बी में देखिए कितना डिग्री है, 72 डिग्री है, और कितने लड़के लड़कियों का रेशियो 7:6 का है। उसके बाद बोल रहा है कि बॉयज़ का गर्ल्स से रेशियो 4:5 का रेशियो है, 4:5 का रेशियो है, कौन से स्कूल में, डी स्कूल में। तो डी स्कूल कितना है, 64.8। ठीक है, समझ में आया इतना। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन बी, मतलब बी में जो लड़के हैं तो बी का टोटल कितना है, 72 है। देखिए डिग्री को भी हटा रहे हैं क्योंकि डिग्री से कोई मतलब ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो 72 में लड़के कितने हैं, 7/13, भाई 7 लड़के कितने में से, 13 में से, तो 7/13 लड़के हो गए, रेशियो लगा दो। अब क्या बोल रहा है कि डी में गर्ल्स कितनी है, तो डी में टोटल कितना है, 64.8। ये मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। कई लोग क्या होते हैं, नंबर निकाले लगते हैं जब आपको ज़्यादा समझ नहीं होती है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको केवल डिग्री से खेलना है, या परसेंटेज दिया होता है यहाँ पे तो परसेंटेज से खेलते रहते हैं, ठीक है। तो 64.8 में लड़कियाँ कितनी, देखिए 5 लड़कियाँ हैं टोटल 9 में, तो 5/9 लड़कियाँ हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए, अगर ये पॉइंट मैं हटा दूँ तो यहाँ 10 आ जाएगा, 9 से अगर मैं इसको काट दूँ तो 9 7 63, 9 2 18, 72 से 72 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो और यहाँ बचा 13, तो 14:13 आपका राइट आंसर है, 14:13 जो कि थर्ड ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 140 क्या है आपके टोटल क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से 80 क्वेश्चन फर्स्ट में है, तो सेकेंड में कितने बचे होंगे, 60 बचे होंगे। 70% सही कर रहा है, तो इसका 70% निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 8 7 56, 56 क्वेश्चन अगले ने सही कर दिए। पूरे में कितने उसको कर रहे हैं, 60% इन द टेस्ट नीड टू कर, तो 140 का 60% उसका सही होना चाहिए टोटल में। तो 14 का 6 कितना हो जाएगा, 14 6 84 हो जाएगा, ठीक है। अब आप पता है कि आप 56 सही कर चुके हो, आपको 84 सही करने हैं, तो कितने बचे, 56 60 20 24 28, मतलब आपको 28 अभी और सही करने हैं, कितने में से, 60 में से, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए 4 7 28, ये आ गया 4 1 4 4 5 20, 5 3 15 20, 20 7 140/3 डिवाइड कर दो, 3 4 12 53 18 46 सही, 2/3%, ठीक है। और इसका एलिगेशन मेथड भी होता है, वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, किसी भी मेथड से लगाइए, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और बहुत ही फास्ट आना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके लिए आपको बेसिक स्टूडेंट्स को एक फार्मूला बता दूं मैं, बहुत पॉपुलर फार्मूला है अलजेब्रा का, x³ + y³ + z³ - 3xyz। उसके बाद क्या होता है, दो फार्मूले होते हैं बट यहाँ पे ये वाला काम आने वाला है, x + y + z, और मल्टीप्लाई में इसके बाद क्या होता है कि x² + y² + z² - xy - yz - zx, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है, सर कैसे यूज़ करना है, इसको पेपर में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली कहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करना है वो बताता हूँ। कि जैसे ही आपको ये फॉर्मूला पता है, आपने देखा कि स्टार्टिंग में क्या था, x³ + y³ + z³, आपको डायरेक्टली वैल्यू दी है 151, आपने तुरंत 151 रख दिया, पेपर में यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। उसके बाद आपको 3xyz की वैल्यू नहीं पता है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या था, x + y + z, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1, उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। उसके बाद में आपको वैल्यू लिखनी है x² + y² + z² की, जो कि आपको पता ही नहीं है, वो कहाँ से निकलेगी, इसका स्क्वायर करने से, इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, इधर क्या आएगा, x² + y² + z², फॉर्मूला क्या होता है, +2xy + 2yz + 2zx, दो को मैं कॉमन ले लूँ, अगर मैं दो को कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, xy + yz + zx, क्या वैल्यू दी है, -26 पुट कर दोगे तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। जितने ज़्यादा स्टेप लिखोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप ST को 120 मिनट में अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पा रहे, उसका मतलब है कि आपको अपने स्टेप्स को कम करना है। आपको यहाँ पे ये नहीं लिखना है दोबारा, आपको सीधे लिखना है कि 26 2 52, माइनस का 52 1 53, तो ये लाइन आपको लिखनी नहीं थी एक्चुअली में, 53 आपका आ चुका था यहीं पे। आपको मन में ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है, लिखना कम है, तो जैसे ही आपका 53 आया, आपने तुरंत 53 रखा है यहाँ पे,
और अब क्या होता है आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर जेड स्क्वायर, उसकी वैल्यू तो रख दी आपने। अब आगे होता है माइनस का एक्स वाई, माइनस का वाई जेड, माइनस का जेड एक्स। माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर प्लस वाला बचेगा, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 26, ठीक है, जो कि क्या बन जाएगा, प्लस का 26 बन जाएगा। तो 53 प्लस 26 हो जाएगा यहाँ पे 6 3 9 5 2 7 79। अब आपको पता है कि इधर जाएगा तो क्या घट जाएगा, तो 79 घटेगा इसमें से, तो कितना बचेगा, 21 और 51, 21 से 51 कितना हो जाएगा, 52 62 72 हो जाएगा। इसका मतलब है क्या कि 72 बराबर 3xyz आ जाएगा। तो जैसे ही आप 3 का इसमें डिवाइड करोगे 24 आपका राइट आंसर, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ज़्यादातर मेरा फोकस यहाँ पर ये है कि आपको किस तरीके से सवालों को पेपर में करना है ये समझाना। तो आज के वीडियो में इतना ही, जिनको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड होना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम में सर्च करके भी आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी आपको और भी अगर मेरे वीडियोस देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने काफ़ी वीडियोस मैथ्स के डाल रखे हैं। अगर आप सही में ज्ञान चाहते हैं मैथ्स का तो आपको सारे वीडियोस अच्छे से देखने चाहिए। अगर आपको एसएससी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में नॉलेज चाहिए तो उसके लिए प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा है, उसके लिए वहाँ पे आप लोग वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।